Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashu Talks. I hope you all are doing absolutely fine. तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो टोटल 3 जॉब रोल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ एंड दोस्तों वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होने वाली है आप सभी के लिए एंड एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आज की इस वीडियो में तीनों ही जॉब रोल के बारे में बताने वाला हूँ। पहली जो आ जाती है मिंत्रा की तरफ से, सेकंड आ जाती है तेरा डाटा के तरफ से एंड थर्ड आ जाती है बायजूस के तरफ से। तो तीनों ही जॉब के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स देने वाला हूँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करने वाले, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको वेरियस ऑफ कैंपस ड्राइव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखने मिल जाती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिंत्रा की जॉब रोल के बारे में। तो मिंत्रा के लिए इमेज एडिटर की यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर ली जाए, एनहांस रॉ इमेज इन ऑर्डर टू मेक देम अपेलिंग येट ट्रू टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट द आर्टिकल गोज लाइव ऑन वेबसाइट एंड ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज एडिटिंग की यहाँ पे मिंत्रा की तरफ से जॉब मिल जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर ली जाए तो चेक लाइटनिंग ऑफ इमेज, चेक इमेज, इंश्योर दैट द एग्जैक्ट कलर ऑफ द आर्टिकल टाइप इज कैप्चर्ड, फिट इमेज विद द प्रिस्क्राइब ग्रिड लाइंस, चेक ओवरऑल इमेज विद हाइजीन फैक्टर्स, डर्ट और बैकग्राउंड, प्रोवाइड सपोर्ट इन द स्टूडियो इन सिलेक्टिंग फाइनल रॉ इमेज एंड अपडेट नेसेसरी ट्रैकर्स। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है। बेसिकली आपको इमेज एडिटिंग की जॉब मिल जाती है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज की बात कर ली जाए, विलिंगनेस टू स्ट्रेच, शुड बी अ टीम प्लेयर, एडरेंस टू टाइमलाइन, शुड बी फ्लेक्सिबल विद टाइमिंग, यही बेसिक चीजें आपको देखने मिल जाती है। फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज की बात कर ली जाए तो प्रोफिशिएंट इन इमेज एडिटिंग टूल सच एज फोटोशॉप, शुड बी कंफर्टेबल इन यूजिंग शॉर्टकट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फोटोशॉप यूज करना आना चाहिए बहुत ही अच्छे से, तो ही आप इस जॉब रोल में अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स गुड होनी चाहिए, एबिलिटी टू वर्क ऑन हाई टारगेट एंड डाटा, आई ऑन आई फॉर डिटेल्स। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको देखने मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने मिल जाता है जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और लोकेशन ऐड करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, कवर लेटर अपलोड कर सकते हो, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप रिलोकेट हो सकते हो या नहीं हो सकते हो वो ऐड कर देना है, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऐड करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप मिंत्रा की जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड आ जाती है तेरा डाटा की तरफ से, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे आपको जॉब रोल देखने मिल जाती है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश लोकेशन देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे बेसिक समर डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाता है। अगर देख सकते हैं यहाँ पे आप एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट की बात कर ली जाए तो बीटेक, एमटेक, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस। दोस्तों अगर आपने बीटेक, एमटेक या एमसीए किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्लस, तो अगर आपके पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग सी प्रोग्रामिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ पर्ल, शेल, स्क्रिप्टिंग डिजायर। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग की स्किल्स होनी चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन डाटा स्ट्रक्चर, शुड बी कंफर्टेबल विद एसक्यूएल, एबिलिटी टू वर्क विद अ प्रोजेक्ट लीड, सीनियर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट एसोसिएट रिक्वायर्ड, तेरा डाटा नॉलेज प्लस। तो ये चीज आपको देखने मिल जाती है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली जाए, डेवलप न्यू फीचर चेंज रिक्वेस्ट, एनालाइज ऑप्टिमाइजर बग्स, डिजाइन फिक्स एंड यूनिट टेस्ट चार्ज, इंटरेक्ट विद ऑफशोर ऑनशोर एसोसिएट ऑन प्रोजेक्ट असाइनमेंट। तो ये सभी चीजें देखने मिल जाती है। की कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल की बात कर ली जाए, बी अ टीम प्लेयर, नॉलेज ऑफ तेरा डाटा एंड एनी अदर आरडीएमएस, गुड वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल, एसक्यूएल नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको अप्लाई बटन देखने मिल जाता है। इस तरह से आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर ली जाए बायजूस के जॉब के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने मिल जाती है। स्किल्स की बात कर ली जाए, एनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हैव अ कीन इंटरेस्ट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर। तो अगर आपको इंडियन एजुकेशन सेक्टर की नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट, हैविंग अ नैक ऑफ सेल्स, गुड इंटरप्रेन्योरल एंड प्रेजेंटेशन स्किल, यही बेसिक डिटेल्स दी गई है बायजूस के जॉब रोल के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से तीनों जॉब रोल के बारे में मैंने सभी डिटेल्स आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।